तो हे गाइस, ये है हमारा आलू आलू का जिसमें हम कोफ्ता बनाने वाले हैं। तो हमने आलू को क्रश करके ले लिया और इसमें प्याज मिर्च लहसुन सबको ऐड कर लिया। फिर इसमें बेसन और कुछ मसाले जैसे जीरा, गोल मिर्च, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया डाल के मैश कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके गोल गोल से बॉल्स बनाएंगे, ये मैंने बना लिया। और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा अभी फ्राई हो रहा है, ये देखिए हमारा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम प्याज मिर्ची और तेज़पत्ता का यहाँ पे छौंका लगाएंगे। देन उसके बाद से हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मसाला ऐड करेंगे जिसमें जीरा, गोल मिर्च, धनिया, मिर्ची, हल्दी, ये सारा गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा बेसन डालेंगे ताकि ग्रेवी थिक हो, ठीक है। उसके बाद से हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। उसके बाद ये देखिए हमारा ग्रेवी पक चुका है, मसाला भी पक चुका है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करेंगे कलर अच्छा आने के लिए। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देन हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा ऐड हो चुका है और अब हमारा इसमें ये कोफ्ता बनके रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में।